जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अगुवाई में डीएम चौराहा से दोपहिया वाहन मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। दोपहिया वाहन मतदाता जागरूकता रैली का नेतृत्व करते हुए जिलाधिकारी श्री सिंह स्वयं दोपहिया वाहन हेलमेट लगाकर चला रहे थे। उनके साथ पुलिस अधीक्षक केसी गोस्वामी स्लोगन तख्ती एक वोट देश के लिए का संदेश देकर आम और खास सभी से मतदान करने की अपील कर रहे थे। दोपहिया वाहन मतदाता जागरूकता रैली में अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के लोग और मीडिया कर्मी भी शामिल रहे। दोपहिया वाहन मतदाता जागरूकता रैली की व्यवस्था में उप निदेशक कृषि डॉक्टर नंदकिशोर, डीएसटीओ राम प्रकाश वर्मा, एआरटीओ संजीव कुमार सिंह, आरआई सुशील कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुंद प्रसाद सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी लगे रहे। जिलाधिकारी श्री सिंह मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रतिदिन एक नई थीम के साथ स्वीप योजना के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जनपद में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के निर्देश में अनवरत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक गोष्ठियों और रैलियों के माध्यम से आम जनमानस को 13 मई को अपने बूथ पर सपरिवार जाकर मतदान करने की अपील की जा रही है। अनवरत चल रहे मतदाता जागरूकता अभियान की आम और खास सभी की सहभागिता भी देखने को मिल रही है। शहर से लेकर गाँव तक मतदाता जागरूकता अभियान भी आम जनमानस में चर्चा भी हो रही है। जिलाधिकारी श्री सिंह का कहना है कि 13 मई को मतदान के दिन हर मतदाता अपने पूरे परिवार के साथ घर से निकलकर मतदान स्थल पर पहुंचकर अपना कर्तव्य समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग मजबूत लोकतंत्र के लिए अवश्य करें। उनको यह भी विश्वास है कि हरदोई का हर एक मतदाता 13 मई को अपना वोट डालने के बाद ही जलपान करेगा। उन्होंने स्लोगन भी दिया है, हरदोई ने ठाना है अब की बार सर्वाधिक मतदान करना है, पहले मतदान फिर जलपान। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वाहनों पर लगाए जाने के लिए स्टिकर और घरों में लगाए जाने के लिए कैलेंडर वितरण किए जा रहे हैं, ताकि घर में आते जाते हर समय कैलेंडर के माध्यम से 13 मई को मतदान करने की याद मन मस्तिष्क में समा जाए। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। अभियान के क्रम में एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें हम और पुलिस अधीक्षक के साथ साथ जनपद के कई अधिकारियों कर्मचारियों ने और समाज सेवी संगठनों ने, हमारे मीडिया के साथियों ने भाग लिया। सभी को मैं दिल से आभार देता हूं। और यह एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें हम बाइक रैली के माध्यम से अपने सभी मतदाताओं को अवेयर करने में कामयाब रहेंगे कि वो 13 मई दिन सोमवार सुबह 7 बजे अपने मतदान केंद्रों पर आएँ और भारी संख्या में वोटिंग करें, जिससे हमारे जनपद का मतदान प्रतिशत बहुत अच्छा हो। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को बनाए रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।